बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है आपके पेपर एट्थ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास में। इस पेपर में हमने आपको बताया था कि हम आपको सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय धार्मिक सामाजिक जो जागरण था, हमने उसके कारण, उसकी प्रकृति और उसके अंदर क्या क्या घटनाएँ हुई हमने वो सब पढ़ी। राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों का उसमें जो योगदान था हमने वो पढ़ा। और आज इस लेक्चर में हम इसकी अगली कड़ी की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। तो इसमें हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 को की गई थी, और वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ए ओ ह्यूम जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना के समय कांग्रेस का स्वरूप कैसा था, यह एक राष्ट्रव्यापी संगठन था, यानी राष्ट्र के भिन्न भिन्न लोगों का मिलके ये एक संगठन बनाया गया था, देखिए, जिसमें सभी धर्मों, जातियों, विचारधाराओं एवं प्रांतों के लोग शामिल थे। फिर आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण क्या थे, तो हम कारण जानने का प्रयास करेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि कांग्रेस की उत्पत्ति की कुछ प्रेरक दशाएँ थीं। वो दशाएं क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन द्वारा अनिच्छापूर्वक और भारतीयों द्वारा इच्छापूर्वक किए गए प्रयासों का एक तरीके से फल थी। पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता और विचारधारा ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और शासन की भावनाएं जागृत कर दी थी। धार्मिक सामाजिक आंदोलन ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को पुनर्जीवित कर दिया था। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हमने अपनी संस्कृति को दोबारा से जाना था। फिर बहुत से जो समाचार पत्र पत्रिकाएं उस वक्त प्रकाशित होने लग गए थे, बहुत सारे एडिटर्स आ गए थे, तो बहुत ही नामी गिरामी लोगों के समाचार पत्र चला करते थे। उन समाचार पत्रों ने एक राष्ट्रीय मंच की मांग की, और एक ऐसा राष्ट्रीय मंच जो कि भारत के लोगों की मन की जो इच्छाएं हैं उसको दिखा सके। तो ब्रिटिश सरकार की जो भारत विरोधी आर्थिक नीतियां थी उसकी वजह से भी बहुत असंतोष उत्पन्न हुआ, और भिन्न भिन्न प्रांतीय संस्थाएं तथा संगठन अपने अपने क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशाएं प्रदान कर रहे थे। तो इन्हीं सारी पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण उत्पन्न हुए। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, जैसे कि भारतीय एसोसिएशन। तो भारतीय एसोसिएशन जो कि 1883 में स्थापित हुआ था, उसने क्या किया कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए मांग की गई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस एक जो पहले की संस्थाएं जो पहले से एस्टैब्लिश थी उन संस्थाओं का ही एक अगला क्रम था। तो इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका कारण ये है कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल में बहुत सारी ऐसी नीतियां, ऐसे बिल्स आए जिनकी वजह से लोगों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, और उनको लगा कि कोई हमारे पास भी एक ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए कि हम भी अपनी बात अखिल भारतीय स्तर पे बोल सकें। तो लॉर्ड रिपन और लिटन की जो नीतियाँ थी उनमें देखिए बहुत ही अविवेकपूर्ण उसकी नीतियाँ थी लिटन की, जिसको हम पढ़ेंगे। और रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विधेयक आया था जिसकी सब जगह बहुत आलोचना हुई थी। फिर देखिए कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्थाएं थीं, जैसे कि कोई भी संस्था अचानक से स्थापित नहीं हो जाती, उसके पहले बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो उसकी स्थापना की दिशा में कार्य कर रही होती है। तो देखिए 1851 से ही ये शुरू हो गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था स्थापित हुई थी,
इंडिया लीग करके 1875 में स्थापना हुई थी, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, वैसे ही मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, मद्रास महाजन सभा 1881 में, और ये आगे चला गया, और 1885 में अंतर्गत हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब देखिए इसमें एओ ह्यूम का क्या प्रयास था। ये जितनी भी परिस्थितियां हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं, इन सारी परिस्थितियों से प्रेरित होकर सर्वप्रथम एओ ह्यूम कौन थे? एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने ही सबसे पहले सोचा कि क्यों न इस तरीके का एक राजनीतिक संगठन भारतीयों को प्रदान किया जाए। तो इन्होंने 1 मार्च 1883 को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने देशवासियों से, यानी हमारे भारतवासियों से, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए समुदाय को संगठित करने की प्रेरणा दी। और इस पत्र में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुख और स्वतंत्रता के लिए आत्मत्याग और निस्वार्थता ही विश्वसनीय पथ प्रदर्शक है। तो इस पत्र में ह्यूम ने अल्टीमेटली क्या कहा था कि 50 ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति आ जाएं जो देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार हों। तो इस तरीके से इस पत्र से बहुत से भारतीय नेता और जो बहुत से कार्यकर्ता थे उनको प्रेरणा मिली। उसके बाद देखिए एओ ह्यूम ने क्या किया, उन्होंने वायसराय लॉर्ड डफरिन से भी मंत्रणा की। उन्होंने जो भी ये इनका कांग्रेस को स्थापित करने का सपना था, इसको लेकर इन्होंने लॉर्ड डफरिन जो उस वक्त के वायसराय थे उनसे बातचीत करी। और उन्होंने क्या किया, डफरिन ने भी उनकी बात को माना क्योंकि वो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का कार्य करना चाहिए। और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या क्या त्रुटियां हैं ताकि सुधार किए जाए। अंग्रेज उस वक्त तक इस स्थिति में आ गए थे कि अगर शासन प्रशासन के किसी काम में उनसे गलतियां हो रही है, चूक हो रही है, तो उनको पता चलना चाहिए। क्योंकि 1857 में आपको याद होगा कि क्रांति हो गई थी, तो उनको ये लगा कि हमें अपनी गलतियां भी सुधारनी चाहिए। उसके बाद एओ ह्यूम ने क्या किया, उन्होंने वे इंग्लैंड भी गए और उन्होंने वहां जाके भी विचार विमर्श किया। तो लॉर्ड इन्होंने वायसराय डफरिन से बात करने के बाद इंग्लैंड गए और लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और स्लेग इत्यादि लोगों से विचार विमर्श किया कि ऐसा हम करें ना करें। तो उसके बाद वो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि भारत में भी एक ऐसी राजनीतिक संस्था होनी चाहिए जो अंग्रेजों को उनकी प्रशासन के बारे में राय दे सकें। तो भारत के राष्ट्रवादी, फिर देखो नेक्स्ट है कि भारत के जो राष्ट्रवादी नेताओं थे उनके क्या प्रयास थे। तो मार्च 1883 में जो एओ ह्यूम ने पत्र लिखा था खुला, तो उसका भारतीय नेताओं पे बहुत प्रभाव पड़ा। दिसंबर 1884 में उन्होंने विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 व्यक्ति मद्रास में इकट्ठे हुए, कहाँ, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के यहाँ, और उन्होंने यह बोला कि हाँ हम एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएंगे। उन्होंने प्रण लिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक संस्था स्थापित की जाए। फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो ये था कि पहले इन्होंने सोचा था कि यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हम पुणे में करेंगे, लेकिन पुणे में वहाँ हैजा फैल गया था, तो इसकी वजह से यह अधिवेशन फिर मुंबई में किया गया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ये 72 प्रतिनिधि श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, वीसी बनर्जी, इनकी अध्यक्षता में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। और देखिए इस अधिवेशन में बहुत सारे फेमस लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी एल वांचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम आदि लोग।
तो ये सब, ये जितना भी कांग्रेस की स्थापना से लेके इसके प्रथम अधिवेशन तक का जितना भी कार्य था ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुआ। तो ब्रिटिश सरकार इसको एक तरीके से खुद प्रमोट कर रही थी, इसीलिए एक ब्रिटिश अधिकारी कॉपलैंड लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको उसके पालने को आशीर्वाद दिया। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हुई। फिर कांग्रेस की स्थापना की जितनी भी पूरी प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की देखरेख में हुई, और उसके बाद कांग्रेस जितने भी अधिवेशन अपने करती थी वो अपने देश के जो ब्रिटिश प्रशासन चल रहा था उस प्रशासन के जितनी भी अगर कुछ गलतियां हैं या कोई चूक हो रही है या कोई भारतीय लोगों की मांगे हैं, उस मांग को एक तरीके से सामने लाने के लिए इन लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और एक ऐसा संगठन स्थापित कर लिया कि इस संगठन के माध्यम से भारतीयों की इच्छाएं अंग्रेज जान सकें। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण क्या थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए क्या योगदान दिया, भारतीय राष्ट्रवाद में क्या योगदान दिया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।